हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्कर रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो गाइस, आज अपनी रैंक हो चुकी है 5000 के अराउंड और मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूँ जिसके बाद आपका पूरा गेम चेंज होने वाला है। मतलब आपको माइनस का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लस ही प्लस मिलेगा। तो आपने सही सुना। तो चलो फर्स्ट टिप की बात करते हैं, तो वो है भाई फास्ट लाइनिंग। तो कई इंटेलिजेंट बंदे ये भी बोलेंगे, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखो मालूम तो सबको होता है, पर बड़े बंदे क्या होते हैं फास्ट लाइनिंग ट्राई नहीं करते, जिसके चलते उतरती वो मर जाते हैं और फिर इनको किल्स भी नहीं निकलते और लास्ट में प्लस भी नहीं होता है। तो सीन कुछ ऐसा, कल आपने अगर शेडी भाई की स्ट्रीम देखी होगी तो उनको मैंने स्टार्टिंग में उतरती मार दिया था क्योंकि उनकी लैंडिंग थोड़ी लेट हो गई थी। अब हमें लैंडिंग करनी कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लैंडिंग करनी है इस जगह पर। तो यहाँ पे मैंने उतरती एक बंदे को मारा भी और एक बंदा रस्सी में हील कर रहा था, दूसरा आ जाता है तो मैं इसको भी भर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर अब क्या सीन रहता है, यहाँ पे तो कभी भी मतलब ऐसे मत बैठा करो जैसे ये बंदा बैठा हुआ था, नहीं पीछे से कोई भी आके भर देगा। तो उसको भरने के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब उसको भरने के बाद रिकॉल वगैरह लेके सेफ खेलते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे 5 kills हो चुके थे, तो अब हम यहाँ पे जैसे जोन में जाने लग जाते हैं तो पीछे से आपने देखा एक बंदा ने मुझे यहाँ फायर किया था। बट यहाँ सीन क्या होता है, मैं यहाँ पे आके पहले अच्छी जगह ले लेता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ जोन आने का। अब जैसे ही यहाँ पर जोन आता है वो बंदा देखो यहाँ डासिया लेके आता है, अब देखना उसके साथ क्या ही मोहमोई करेगा तुम्हारा भाई। बस थोड़ा वेट करो यहाँ पे। अब देखो सामने वाला बंदा जैसे डासिया लेके आता है तो बस क्या था, आप देखो इसके साथ पे 2-3 हेड बजा और बंदा खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर से हम जोन में जाते हैं और ये वाला देखो, अगर आपको चिकन के लिए जाना है ना तो सच बता रहा हूँ H2H फाइट लेना। काफ़ी मतलब जो स्ट्रीमर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं भाई नहीं, आपको पहले जाके जोन का सेंटर होल्ड कर लेना है, तो उससे कोई फायदा नहीं। कई बार क्या होता है ना, इतने सारे बंदे रहते कोई ना कोई तो आके आपको मार जाता है। तो सेंटर मत लिया करो और एज पकड़ा करो, ये जोन का एज ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो एक बंदा आता है तो मैं उसको डैमेज करता हूँ बट वो चला जाता है, ठीक है। अब एक बंदा सीधा आ जाता है मेरे पे रेस्ट करने। अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, सबसे पहले मैं नेट कर देता हूँ, अब वो बंदा सीढ़ियों के पास ही रुक जाता है और यहाँ पे मॉली करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं अपनी नेट से थोड़ा डैमेज हो जाता हूँ, बट कोई ना, यहाँ पे बैंडेजेस लगाता हूँ मैं। अब वो बंदा ना यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे ही बैठ जाता है। अब देखो यहाँ क्या सीन होने वाला है, अब तुम्हारा भाई क्या ही आईक्यू लगाने वाला है, बस देखते जाओ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वाटर नेट करूँगा, यहाँ पे रिफायर देता हूँ कि बंदा थोड़ा अपना फुटस्टेप दे यार, बट बंदा तो वहीं नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे मैंने एक वाटर नेट किया, अब इससे क्या वो बंदा ना इस सीढ़ियों के पास से राइट में भाग गया, देखो उसका मार्क आया। अब जैसे ही वो बंदा आ गया अब मैं यहाँ पे क्या IQ लगाऊंगा, अब देखते चलो। पहले मैं ट्राई करता हूँ इधर से, बट यहाँ सकता है मुझे पारिक साइड पड़ सकती थी इसलिए मैं उस साइड नहीं जाता हूँ। तो मैं अभी साइड से देखो हाथ में एक नेट लेके कुक करता हूँ। ये ट्रिक आप तभी यूज़ करिएगा जब आपको बंदे की लोकेशन पता हो। तो बस क्या था, यहाँ पे मैंने नेट कर दिया बंदे पे और इसलिए मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब चले आते हैं हम लोग जोन में। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी बग्गी लगा लेता हूँ और सबसे पहले मुझे कवर चाहिए था तो मैं जल्दी से लेफ्ट साइड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या सीन रहता है, लेफ्ट साइड मुझे पड़ेगा नहीं, ठीक है, पीछे साइड से भी नहीं पड़ेगा, बस आगे से और राइट से पड़ने का डर है, ठीक है। और आगे से भी अच्छा कवर है और राइट से मैं पूरा नज़र रख रहा था, तभी एक बंदा मुझे स्पॉट होता है। अब देखो उसको मैंने एक अच्छा स्प्रे दिया और पूरा नॉक फिनिश डाल देता हूँ। राइट साइड को जल्दी से आता हूँ मैं। अब सामने 2 टीम अप वाले बंदे दिखते हैं, अब इसके लिए मैं थोड़ा डैमेज करता हूँ बंदे को, बट ये दूसरा जो टीम अप वाला बंदा था ये तो ख़त्म भाई, इसको लेजेंड स्प्रे दिया है भाई, क्या ही बताऊँ। और ये बंदा ख़त्म हो जाता है, तो अब टीम अप वाले बंदा एक ही रह जाता है, दूसरे को मैं फिनिश कर देता हूँ। जल्दी से यहाँ पे बैंडेजेस लगा लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, अब जोन चलता है तो जो टीम अप वाला बंदा होता है वो भी नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे पूरा राइट साइड में देखता रहता हूँ और बंदे कहाँ हैं, बट मेरे अलावा यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे रह जाते हैं। अब देखो जो टीम अप वाला बंदा था वो सीधा मतलब वो उड़ने वाली जो मछली है उसको लेके यहाँ पे उस वाले बंदे से फाइट लेने की ट्राई करता है और उसको अच्छा खासा डैमेज कर देता है। बट यहाँ पे जैसे ही जोन चलता है ना वो जो दूसरा बंदा होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे ही डासिया लेके आता है, अब देखो भाई जैसे तैसे इसको भर देते हैं और पीछे जो दूसरा बंदा था वो तो थर्ड पार्टी करने की ट्राई करता है, सोचा मैं डैमेज होगा, सीधा मेरे पे रश कर देता है और अब देखो क्या ही जिगल फाइट होगी। तो फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ पे चिकन निकाल लेता है। तो गाइस देख सकते हो, तो चलो बात की जाए अब दूसरे मैच की, ठीक है। दोबारा भाई देखो मैंने बताया था इसी जगह पे आना है आपको, जब भी लैंड करना इस जगह पे, और वो क्यों लैंड करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे उतरती है आपको सबसे पहले तो गन मिल जाएगी इसलिए, ठीक है, कोई ना कोई गन मिल ही जाएगी और इसलिए मिलेगी
कि एक बंदा ऐसे फ्री का किल ले लो आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर गन वन मिल जाती है, सबसे पहले आप ऊपर चले जाओ, ठीक है। सामने एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ, आप देखो क्या करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ शॉटगन से मारने का, बट शॉटगन बेवफा यार, सच बता रहा हूँ। अभी तो मुझे लग गई थी ना वेस्ट ना हेलमेट। वेट करता हूँ कि बंदा खुद आए, मैं शॉटगन चिपका दूँ, बट यहाँ पे देखो क्या ही सीन होने वाला है। कितनी कम एचपी रह जाती है, और भाई सही बोल रहा हूँ, लकली इसको कनेक्ट हो जाता है भाई शॉटगन, नहीं तो मेरे साथ मोय मोय हो जाता। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ सामने यहाँ पे टावर में एक बंदा, भाई ऐसा मत कभी आप मत लूटना कि भाई कुछ पता ही नहीं ऐसे कोई भी बंदा आ गया हो और मार के चला जाए। अब इस भाई को देख लो कितना गंदा कैम कर रहा था ये, मुझे लगा सीढ़ियों पे होगा, बट भाई मैं 1 HP बचा यहाँ पे, HP भी देख सकते हो आप। लकली शॉटगन यहाँ भी कनेक्ट हो गई थी, और जैसे तैसे मैं अब यहाँ पे जा ही रहा था राइट साइड में, और बंदे ढूंढ रहा था, और तब से भाई क्या ही DP का स्प्रे पड़ता है। अब ये बंदा मुझे नॉक करती ही रश कर देता है। अब बस देखो यहाँ पे मेरे पे सेल्फ रिवाइव होता है, मैं रिवाइव करता हूँ, यहाँ बिल्कुल फुटस्टेप मार्क नहीं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये बंदा सीधा भागते हुए चला जाता है, इसको लगता है बंदा सामने होगा, और वहाँ पे आके जैसे ही लूट करने लग जाता है, और फाइनली तुम्हारा भाई इसको भी मार देता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ की फाइट देखो भाई, इस बंदे के साथ क्या ही फाइट होने वाली है मेरी। यहाँ पे मैं मॉली कर देता हूँ भाई। सामने वाला भी बंदा काफ़ी डेढ़ शाना था, अच्छा खेल रहा था, काफ़ी पूरा फुट साउंड ले रहा था। अब देखो यहाँ पे उसने मेरे पे ही नीड कर दिया वाटर नीड। यहाँ पे 2 हेड लगा UMP का, बॉडी लगा कम से कम 1 HP रह गया था बंदा, सच बता रहा हूँ मैं। ट्राई करता हूँ उसको मारने का, और जैसे तैसे उसको यहाँ पे भर देते हैं। उसको मारने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जा ही रहा था, सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, और वो बंदा मुझे देखते ही पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, ठीक है। उसको लगा कि मैंने उसको नहीं देखा, बट उतरते ही मैं यहाँ पे नेट पिन करता हूँ, फुल कुक करके बंदे पे नेट मारता हूँ। बट यहाँ पे क्या सीन रहता है, वो बंदा सिर्फ डैमेज होता है इससे, पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुआ, सॉरी फिनिश क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे को नेट करते हैं लेफ्ट साइड, जैसे ही वो बंदा जाता है बूम। तो भाई इसको मारने के बाद हम जैसे ही आ जाते हैं, तो एक यहाँ पे मर्सिडीज जाती रहती है, तो मैं इस पर उतरता हूँ। बट यार यहाँ पे इस मछली के चक्कर में वो बंदा बच जाता है, और डैमेज हो पता है सिर्फ। तब से एक लेफ्ट साइड पे बग्गी वाला भी फायर करता है, बट मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब फिर हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं जोन में, दास चला जाता रहता है, तो मैं इस पर नेड कर देता हूँ, बट ये तो चला जाता है। अब सामने एक बंदा रहता है, बस इसको देखो क्या ही नेड मारेगा तुम्हारा भाई। 3, 2, 1 बूम गाइस, देख सकते हैं एक और को ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद अब देखो ये दूसरा गेम प्ले है, क्योंकि ये वाला मैच वहाँ पे ख़त्म हो गया था, आगे जाके मैं मर गया था, तो उसमें चिकन तो निकलता बट टॉप 10 ईजी निकल जाता। अब एक बंदा यहाँ मेरे पीछे करने लग जाता है, बट इसके साथ तुम्हारे भाई मोए मोए कर देता है थोड़ा आगे जाके, मतलब मैं अपना मॉन्स्टर रख रोक देता हूँ और चेन सीट करके भर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, एक बंदा मेरे नीचे रहता है यहाँ पे, तो मैं इस पर वाटर नेड करता हूँ। अब यहाँ पे मॉली वोली भी ट्राई करता हूँ, पहले एक मॉली आगे फेंक देता हूँ कि बंदा अगर बाहर ना आए, ठीक है, अगर मैं उस पर मारने जाऊँ तो बाहर ना आए। बट वो बंदा निकलता कहाँ से ये देखो भाई साहब, सच बता रहा हूँ यहाँ पे ख़त्म था जिस हिसाब से उसने मुझे निकल के मारा ना। और उसके बाद हम जैसे यहाँ से जाने लग जाते, सामने एक बग्गी वाला स्पॉट हुआ मुझे, इसको अच्छा खासा डैमेज किया, बट वो बच जाता है। उसके पीछे मैं करते करते भाई मेरी मछली का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, बट जैसे तैसे उस बंदे को भर देते हैं। अब लास्ट वाला बंदा था सामने, अब इसकी मेरी फाइट देखो गाइस क्या होने वाली है, और बहुत ज़्यादा ही गलत सीन होने वाला है। तो लास्ट जोन में अभी इस ट्राइडेंट का अगर आपके पास हो तो यूज़ किया करो, ठीक है, इसका बहुत अच्छा यूज़ है। बट सीन क्या है ना, यहाँ पे मैंने गलती की, मुझे इसके घर के अंदर जाके यूज़ करना था तो ईजिली मर जाता हो, बट मैं बाहर यूज़ करता हूँ तो ये तो उसके अंदर जाता ही नहीं है, और ये बंदा मुझे डैमेज कर देता है। इस पर MK होती है, तो मैं जल्दी से उतर जाता हूँ, और बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए जंप कर जाता है, और जैसे ही बंदा आता है इसको मैं ले लेता हूँ फ्री फायर में। तो फाइनली यहाँ भी चिकन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।